तो पाकिस्तान की टीम अभी काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो गई है भाई। इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। सुनने में आ रहा है कि प्लेयर्स के बीच आपस में लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़ा हो रहा है, स्पेशली बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी का भी सुनने में आ रहा है कि उनके बीच कुछ कहा सुनी हो चुकी है और इसी वजह से जो है पाकिस्तान टीम जो है एशिया कप में अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाया। तो इस बारे में पूरी बातचीत करेंगे आज, तो एंड तक वीडियो में बने रहना। बिल्कुल, न्यूज़ ये आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई है। जब वो श्रीलंका से मैच हारे थे तो उसके बाद ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम ने सबको डांट लगाई थी और कहा था कि हमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेला है और हम सब एक होकर खेलते तो हम मैच जीत सकते थे, इंडिया से भी हार गए थे बुरी तरीके से। जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने ये कहा है कि जिन प्लेयर्स ने अच्छा खेला है उनकी तारीफ़ तो कीजिए आप। तो बाबर आजम ने शाहीन शाह अफरीदी को ये कहा है कि मुझे पता है कौन कैसा खेला है, मैं कैप्टन हूँ, मुझे पता है कि कौन कितना अच्छा खेला है, कौन कैसा क्या कर रहा है। तो ये बात शाहीन शाह अफरीदी को शायद बुरी लगी है, लेकिन ये कुछ कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ये रूमर से ये सब अलग अलग कहानियाँ बता रहे हैं कि रिजवान ने आके बीच में उनको रोका है कि स्टॉप आर्ग्यूमेंट, शादब खान को भी बुरा लगा बाबर आजम ने डांट लगाई तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कल इनकी मीटिंग थी टीम सिलेक्शन को लेकर कि किस टीम को लेकर जाएंगे, वर्ल्ड कप स्क्वाड क्या होगा। इंजमामुल हक भी थे उसमें, बाकी के जो भी स्टाफ था, मतलब जो भी पीसीबी के लोग हैं, तो जिसमें बाबर आजम ने टीम को चेंज करने से मना कर दिया है। बाबर आजम चाहते कि जो टीम है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जाए और वो वही टीम को लेकर जाए, क्योंकि उनका कहना है कि ये मेरे मैच विनर्स है। बिल्कुल, टीम काफ़ी अच्छी थी और यार शाहीन शाह अफरीदी से ही मान लो झगड़ा हुआ है तो बाबर आजम शाहीन शाह को बाहर तो नहीं कर सकते। शाहीन शाह अफरीदी अगर पाकिस्तान टीम की बॉलिंग में होते तो दूसरे बॉलर्स भी कॉन्फिडेंट फील करते, तो उनका होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपसी बात रंजिश जो है वो अलग है, अगर हुआ है तो वो अलग है, और टीम जो है कंट्री को जो नेशन को डेवलप करने वाली बात है वो अलग है। तो दोनों को, पूरी टीम को ही अगर मिलजुल कर खेले तो ही मुझे लगता है ये आगे सक्सेस पा सकते हैं, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि अगर साथ नहीं मिलके खेलेंगे और सबका कोऑर्डिनेशन आपस में बिगड़ा हुआ रहेगा तो फिर वैसे ही कैच छूटेंगे जैसे वो दो प्लेयर के बीच में से बॉल निकल जाती है और सोचते हैं कि ये लेगा और दूसरा सोचता है ये लेगा। आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना इसमें बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो ऐसे में अगर आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन सही नहीं या फिर आपस में उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो फिर कोऑर्डिनेशन तो भाई बिगड़ना ही है। बिल्कुल, क्योंकि खबर ऐसी आ रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी फील्डिंग उनके हिसाब से सेट करते हैं, बाबर आजम कैप्टन उनकी सुनते नहीं है और वो कहते कि मैं मेरे हिसाब से सेट करूंगा, तो ये खबरें आ रही थी। लेकिन बाबर आजम ने तो कहा है कि भाई मैं ये सेम टीम लेकर वर्ल्ड कप में जाना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत बातें तो देखो हो सकती हैं, हुई हो, लेकिन इतनी नहीं हुई होगी कि मतलब ये झगड़ा हो गया है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं हुआ होगा। शोएब अख्तर से भी इंडियन न्यूज़ चैनल में उनसे पूछा गया था कि ये माजरा क्या है, तो शोएब अख्तर ने भी कहा था कि देखिए थोड़ी बहुत कहा सुनी सब जगह हो जाती है। आकाश चोपड़ा भी थे वहाँ पर, तो उनको भी कहा कि आकाश के टाइम पर भी ड्रेसिंग रूम में थोड़ी बहुत बातें हो जाती थी, सबका सोचना अलग होता है, सब अलग अलग जगह के बंदे आए हुए होते हैं और सबका ये रहता है कि मुझे मौका मिले, मुझे मौका मिले, तो इस तरह की थोड़ी बहुत बातें हो जाती है, लेकिन ऐसे झगड़े नहीं होते हैं। और जो कैप्टन सिलेक्ट करता है वो एज अ टीम ही खेलती है, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितना इसको बड़ा बताया जा रहा है, तो शोएब अख्तर ने ये बात कही है। इस चीज़ को बड़ा इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान टीम ने सबको बोलने का मौका दे दिया अपनी ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छा होता तो ये इशू इतना उठ ही नहीं रहा होता, ऐसी कई चीज़ें हो जाती होगी और वहीं पर रुक भी जाती होगी और किसी को मालूम भी नहीं चलता होगा। हाँ। क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस पर इससे असर नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर टीम की परफॉर्मेंस को इससे असर पड़ा है। तो मुझे लगता है कि इस बार शायद कुछ हो सकता है, बड़ी चीज़ हो गई हो और प्लेयर्स में आपस में ये चलती चीज़ें कि यार स्पॉन्सर्स का भी कई पंगा रहता है। कैप्टन बाबर आजम है आप सब जानते हैं, तो बाबर आजम अगर कोई कैप्टन होता है तो उसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, ऊपर से बाबर आजम के रिकॉर्ड भी कमाल के हैं। हाँ। तो उनको और रिकॉर्ड से भी पॉपुलैरिटी मिल रही है, ऊपर से कैप्टनसी की वजह से भी और पॉपुलैरिटी और स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, तो उनको बड़े बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहे हैं तो मुझे लगता है इससे भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर आ सकता है कि भाई इसको इतना मिल रहा है मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मैं हाँ, करता हूं। फर्क पड़ जाता है। और शाहीन शाह अफरीदी में भी मैं कहूं कि क्वालिटी तो है भाई कि वो भी पाकिस्तान के कैप्टन बन सकते हैं,
और हो सकता है कहीं ना कहीं वो यही चाह रहे हो कि मैं कैप्टन बन जाऊँ, या उनके अंदर भी एक लीडरशिप क्वालिटी तो है, मैंने देखा है ये चीज़। वो हाँ। गाइड भी करते हैं कई बार बॉलर्स को, और बैटिंग भी अच्छी कर ही लेते हो तो बिल्कुल। तो मुझे लगता है उनके अंदर भी है लीडरशिप क्वालिटी, लेकिन बाबर आजम भी काफ़ी सिंसियर है, तो कैप्टन के लिए तो वही सही है। हो सकता है वाइस कैप्टन ज़रूर उनको बना दिया जा सकता है, जो कि अभी शादाब को बनाया हुआ है, और शादाब मुझे लगता है वाइस कैप्टन के लिए सही कैंडिडेट नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी उनसे बेटर है मेरे ख्याल से। हाँ, शादाब खान इतने सीरियस नज़र नहीं आते हैं, और अभी इतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस भी नहीं रहा है, लेकिन स्टिल बाबर आजम ने कहा है कि शादाब खान को भी लेकर जाना है वर्ल्ड कप में। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि डिमांड ये आ रही कि जो एक स्पिनर्स थे, एक स्पिनर इनके अबरार करके नाम है उनका, उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इमाद वसीम के बारे में बातें आ रही कि इमाद वसीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इमाद वसीम का होगा कि नहीं होगा। उसके बाद फैंस ये डिमांड कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को लाओ, अपना ट्विटर पे ट्रेंड करता रहता है मोहम्मद आमिर, लेकिन मोहम्मद आमिर तो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको कैसे लेकर आएंगे भाई? मुझे नहीं लगता मोहम्मद आमिर आने वाले हैं। हाँ, हसन अली का चांस मुझे ज़रूर लग रहा है, अगर उनको मौका मिले तो वो ज़रूर आएंगे, और उनका अगर फिटनेस वगैरह सही हो, बढ़िया हो, जो भी टेस्ट वेस्ट होगा उनका फिटनेस का अगर उसमें पास कर जाएंगे तो शायद हो सकता है हसन अली आ जाए। हाँ, वैसे पाकिस्तान के पास ऑप्शन तो है, हसनैन है एक, उसके बाद अपना एहसानुल्ला है। इनको एक्सपीरियंस बॉलर मिलना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हसनैन और ये सब इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल, हसन अली को के पास फिर भी है एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत, उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी भी खेली हुई है, बड़ी बड़ी टूर्नामेंट उन्होंने खेली, उन्होंने शायद वर्ल्ड कप भी खेला था। हाँ, खेला तो है उन्होंने, बिल्कुल खेला तो है, लेकिन उनके जो रिकॉर्ड्स है वो बहुत ही ख़राब रहे हैं। एशिया में उनका जो पर ओवर 10 रन देते हैं वो ODI के अंदर, तो ये रिकॉर्ड्स भी देखेंगे वो कि यार किसको खिलाए, किसका रिकॉर्ड अच्छा है, किसका नहीं अच्छा है। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता हसन अली को वो सिलेक्ट करेंगे। हाँ, क्योंकि यार नसीम शाह का तो यही बोला जा रहा है कि उनको इंजरी काफ़ी बड़ी हो गई है, और उनका वर्ल्ड कप में आना बहुत मुश्किल है, और स्टार्टिंग के मैच वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, अगर उन मैच में वो नहीं रहे तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। तो ऐसे में अच्छा बॉलर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी का नसीम शाह का बोला जा रहा है कि वो बीच में आ सकते हैं जब वर्ल्ड कप का आधा वर्ल्ड कप हो जाएगा, लेकिन हो सकता है भाई आधा वर्ल्ड कप हो जाए तब तक पाकिस्तान टीम वहां तक पहुंच ही नहीं ना पाए। ये जो बात है बाबर आजम ने बोल ली थी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकी अभी जो नई अपडेट आई है वो यही है कि भाई शाहीन शाह अफरीदी पूरा ही वर्ल्ड कप बिल्कुल भी नहीं खेल पाएंगे। हाँ, नसीम शाह वो बिल्कुल भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वो उनकी चोट काफी गहरी है। हारिस रऊफ का क्या अपडेट है, कुछ पता है? हारिस रऊफ खेल सकते हैं, ये उनका भी कंफर्म नहीं है, लेकिन उनका बोला जा रहा है कि वो खेल सकते हैं। तो भाई बॉलिंग में तो बहुत ही दिक्कत आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है शाहीन शाह अफरीदी और जमान खान तो मेरे ख्याल से 101% खेलेंगे उन, और बीच में एक बॉलर और चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है शाहनवाज धानी की वापसी होगी। फहीम अशरफ भी इंजर्ड है? फहीम अशरफ इंजर्ड नहीं है, लेकिन यार वो फास्ट बॉलर नहीं है, वो मीडियम फास्टर है और वो ऑलराउंडर है, इनको एक प्रॉपर फास्ट बॉलर चाहिए। इनको प्रॉपर फास्ट बॉलर चाहिए और एक प्रॉपर स्पिनर भी चाहिए भाई। बिल्कुल, तो प्रॉपर स्पिनर्स तो इनके पास है भाई, प्रॉपर स्पिनर है वो अबरार, क्या नाम है उनका, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, वो है और उनको लिया जा सकता है। बाकी फास्ट बॉलिंग के अंदर किसको सिलेक्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, फ़खर जमान के सिलेक्शन के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि उनको रखेंगे कि नहीं रखेंगे, लेकिन बाबर आजम ने, खबर ये आ रही कि बाबर आजम ने तो कहा है कि भाई फ़खर जमान को भी रखा जाएगा, फ़खर जमान भी उनके मैच विनर है। तो भाई देखते हैं क्या होता है, बाकी आप बताना आपका आज का रिएक्शन कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।